केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है और हेल्थ सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर खासा जोर दिया जा रहा है और यही वजह है कि सरकार हेल्थ सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगी आने वाले दिनों में और ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा मिले और इसके लिए भी तैयारी की जा रही है ताकि महामारी के समय में लोगों को उनके घर के पास गांव के पास ही चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर जोर दिया जा रहा है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं देश में और अब तक तकरीबन 40,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा लैब नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर पे लैब को नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा हो और उनको तुरंत रिजल्ट मिले। इसके अलावा जिला स्तर पर संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए जिला अस्पताल में संक्रामक रोगों का अलग से ब्लॉक बनेगा, ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है सरकार की तरफ से ताकि लोगों को घर के पास इलाज मिल सके। इसके अलावा रिसर्च में काफी जोर दिया गया है सरकार का कि इन्वेस्टमेंट होगा ताकि देश में ही वैक्सीन और ड्रग्स बन सके। प्रधानमंत्री केयर फंड से भी 100 करोड़ रुपया रिसर्च को दिया गया है और आने वाले दिनों में सरकार सोच रही है कि रिसर्च पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए और इस तरह से एक तरह से ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य की जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, उसको खड़ा करने पर सरकार का जोर है और आगे आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारे जो कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च होता है और अगर लोगों के घर के पास चिकित्सा सुविधा मिले तो निश्चित तौर पे उनकी एक तरह से जो आमदनी है, जो खर्च होता है स्वास्थ्य पे, वो कम होगा।